हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्वेश स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम यहां पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स को क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, वो टॉपिक है हमारा कि मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ठीक है, मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है बच्चों? कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि मास और वेट क्या है, दोनों सेम चीजें हैं, बट ऐसा है नहीं। ठीक है, जैसा आप सोच रहे हो ऐसा है नहीं, इसके जस्ट अपोजिट है। इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको स्मॉल m से। ठीक बच्चों, जो मास होता है अगर इसको डिफाइन किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उस ऑब्जेक्ट में जितना भी मैटर होगा, जितना भी मटेरियल होगा, वही क्या होगा, उस बॉडी या ऑब्जेक्ट का मास होगा। ठीक, लेकिन अगर हम बात करें वेट की, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा ना, वो क्या होता है, जिस फोर्स से वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, जिस फोर्स से कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, वो फोर्स ही उस ऑब्जेक्ट का वेट कहलाता है। या फिर ऐसे आप बोल सकते हो कि जिस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, वो फोर्स ही उस ऑब्जेक्ट का वेट कहलाता है। ठीक है, तो ये एक टाइप का फोर्स है, लेकिन ये क्या है, वो सारा मटेरियल जो एक ऑब्जेक्ट खुद में कंटेन करता है। ठीक, यहां पे आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि टोटल मटेरियल, टोटल मैटर लिख लो, मैटर कंटेन्ड बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसकी बात करेंगे तो ये क्या है, फोर्स विथ विच इट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अर्थ। ठीक है बच्चों, ये क्या है, ये एक टाइप का कॉन्स्टेंट क्वांटिटी होती है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होगा वो कॉन्स्टेंट रहेगा। मास क्या होता है, कॉन्स्टेंट रहता है। ये क्या होता है, ये चेंज होता है, वेरिएबल होता है, इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, मास कॉन्स्टेंट होता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाओगे तो उसका मास आपको कॉन्स्टेंट मिलेगा, लेकिन अगर वेट की बात करोगे तो वेट उसका कॉन्स्टेंट नहीं रहता। अगर आपने प्लेस चेंज किया, पोजीशन चेंज करी, तो उसका वेट क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब मास क्यों कॉन्स्टेंट रहता है और वेट क्यों चेंज होता है, यहां पर रीजन यह है बच्चों की वेट का जो फॉर्मूला होता है ना, दैट इज डब्ल्यू इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अगर बात करोगे मास की तो मास तो कांस्टेंट हो गया, लेकिन ये जो क्वांटिटी है ना बच्चों, ग्रेविटी अर्थ की, ये क्या है, ये तो चेंज होगी ना। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। और अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो रही है तो उसका वेट भी चेंज होगा ना। तो वेट चेंज होता है लेकिन मास क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। एक और पॉइंट यहां पर बोल सकते हो कि यह क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, लेकिन ये क्या है, एक टाइप की वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, वेट वेक्टर क्वांटिटी है और मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी। एक पॉइंट और लिख सकते हैं बच्चों की जो मास की यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोग्राम, ग्राम। ठीक है, लेकिन वेट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन होती है। मतलब कि जो फोर्स की यूनिट होगी वही वेट की भी होगी, क्योंकि वेट क्या है, बार बार तो बोल रहे हैं ना कि वेट एक टाइप का फोर्स है, तो इस वजह से फोर्स की यूनिट वेट की यूनिट होगी। ठीक है, क्लियर है सभी को। एक और अगर बात बोलना चाहते हो तो कह सकते हो कि ये क्या है, एक टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, लेकिन ये क्या है,
ये फंडामेंटल नहीं है, ये डिराइव्ड है, ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब क्या है, ये बेसिक है, ठीक है, एलिमेंट्री है, ठीक है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करती। लेकिन जो डिराइव्ड क्वांटिटी है वो क्या होती है, वो किसी अदर क्वांटिटी से डिराइव की जाती है, बनाई जाती है, ये किसी पे डिपेंड नहीं है लेकिन ये डिपेंड करती है, ठीक। जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे होगे कि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रही है। तो मास एक टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटी है, मतलब ये किसी पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो खुद से हुई है, किसी पे ये डिपेंड नहीं करती। लेकिन जो वेट है वो एक टाइप की डिराइव्ड क्वांटिटी है, मतलब डिराइव्ड का मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि ये किसी पे डिपेंड करती है, मतलब किसी अदर क्वांटिटी से इसको बनाया गया है, डिराइव किया गया है, ठीक है।